तेज सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी एशलोन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताऊंगा। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अभी एक सबवे स्टेशन में है और लगातार अपने फोन में टकटकी लगाए हुए है और जो निर्देश उसे इस फोन से मिलते हैं उन्हें ही फॉलो कर रही है। उसी फोन से उसे अपनी ट्रेन छोड़कर टनल में जाने का निर्देश मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो अंधेरे टनल में चली जाती है जहां एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर आती है, जिससे बचकर वो दूसरी लेन पर चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश तेजी से आती हुई दूसरी ट्रेन उसे रोंदते हुए निकल जाती है। अब यहां से हमें मेन कैरेक्टर मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक आईटी इंजीनियर है और अभी थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैक्स जब इवनिंग में होटल वापस जाता है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेज देते हुए कहती है कि ये आपके लिए कोई छोड़ गया है। लेकिन मैक्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ उसे न ही कोई जानता था और न ही उसने कहीं से कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाया था। अब मैक्स इस पैकेज को अपने रूम में जाकर खोलता है तो पाता है कि इसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एक फोन है जिसमें GZT की ब्रांडिंग है, पर ऐसी कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद उसी फोन पर एक मैसेज आता है कि उसे यहाँ थाईलैंड के इसी होटल में एक रात और रुक जाना चाहिए क्योंकि कल के दिन यहाँ लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाने वाला है। अब मैक्स को भी ये आइडिया सही लगता है क्योंकि वो भी एक दिन रुककर थाईलैंड घूमना चाहता था, तो वो एक और दिन के लिए रूम बुक कर लेता है और अपनी सुबह की फ्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन जब मैक्स अपने हॉलिडे को एंजॉय कर रहा होता है तो उसे न्यूज में पता चलता है कि जिस फ्लाइट में आज वो जाने वाला था वो क्रैश हो गया है और उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं। मैक्स खुद को काफी लकी मानता है कि वो मरने से बच गया। अब कुछ देर बाद उसी के फोन पर एक और मैसेज आता है कि उसे अगर काफी सारे पैसे कमाने हैं तो उसे सेजोर कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए, लेकिन मैक्स इसे नजरअंदाज कर देता है। वो वापस से अपने रूम में आ जाता है और पाता है कि जिस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उसके पास मैसेज आया था उसके शेयर प्राइसेस 313% तक बढ़ गए हैं। अब ये देख मैक्स को शॉक लगता है क्योंकि पहले इसी फोन की वजह से इसकी जान बच गई थी और अब इसके स्टॉक वाली बात भी सच निकली, यानी कि ये नया फोन पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है। अब मैक्स को इस फोन पर पूरा यकीन हो चुका है और उसके हर कहे को करने के लिए वो मन से तैयार हो जाता है। अब उसे मैसेज आता है कि उसे प्राग चले जाना चाहिए। अब मैक्स उसी की बात मानकर प्राग चला जाता है। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे एक रूसी टैक्सी ड्राइवर यूरी मिलता है जो कि उसे काफी सस्ते में उसके होटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में यूरी की नजर मैक्स के नए फोन पर पड़ती है और वो इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर सरप्राइज होता है। यूरी मैक्स को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बताता है कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और वो नई नई टेक्नोलॉजीज को काफी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। अब मैक्स अपने नए 5-स्टार होटल में पधारता है जहां उसे इस नए फोन ने आने के लिए पहले ही निर्देश दे दिया था। अब मैक्स को एक और मैसेज आता है कि उसे कैसीनो जाकर मशीन नंबर 13 पर जाकर खेलना चाहिए। अब मैक्स को गैम्बलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था तो वो कैसीनो में यहां वहां 13 नंबर मशीन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एक दूसरा प्लेयर इसी मशीन पर बैठा हुआ था। तभी मैक्स के उसी नए फोन पर मैसेज आता है कि इस मशीन नंबर 13 पर एक बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, तो उस प्लेयर को मशीन से उठाने के लिए मैक्स काफी ज्यादा पैसे देने की पेशकश देता है और वो प्लेयर उसे मान भी लेता है और इसके बाद मैक्स पहले ही मौके पे चौका लगा देता है और 1,00,000 यूरो जैकपॉट में जीत जाता है। और वही कैसीनो की सिक्योरिटी टीम उसे कैमरा में देख काफी हैरान होती है और उन्हें शक होता है कि आखिर मैक्स को कैसे पता चला कि इस मशीन पर इस समय बड़ा जैकपॉट लगने वाला है जो उसने इतने सारे पैसे देकर पिछले प्लेयर को वहां से चलता कर दिया। लेकिन मैक्स का कोई भी चीटिंग का पास्ट रिकॉर्ड न होने के चलते मैनेजर उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। अब लालच में अंधा हो चुका मैक्स अपनी प्राइज मनी को कैश कराने के बजाय सारे के सारे पैसों के और चिप्स खरीद लेता है। अब टेबल पर बैठते ही मैक्स अपने सारे के सारे चिप्स को एक ही बार में दाव पर लगा देता है और फिर से जीत जाता है। अब मैनेजर को उस पे और भी ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि उसने मैक्स को बार बार फोन में देख देख कर खेलते हुए देख लिया था। अब उसे कैसीनो से जाने से पहले बताया जाता है कि अगली बार से वो अपने फोन को अंदर नहीं ला पाएगा। अब बाहर जाकर मैक्स यूरी को कॉल करता है और उससे एक ऐसा डिवाइस बनाने की फरमाइश करता है जिससे उसे बार बार मैसेज पढ़ने के लिए फोन में न देखना पड़े और मैसेज सीधे उसके कानों में रीड हो जाए। अब यूरी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। इधर होटल में अपने रूम में जाते वक्त मैक्स को एक कपल आपस में लड़ाई करता दिखाई देता है। मैक्स उस लड़की कैमिला को उसके बॉयफ्रेंड से बचाने की कोशिश करता है। बदले में कैमिला का बॉयफ्रेंड मैक्स को ऐसा मुक्का देता है कि वो सीधा बेहोश हो जाता है। अब हमें मालूम पड़ता है कि कैमिला और उसका बाबू वास्तव में सीक्रेट एजेंट्स हैं जो मैक्स को मामू बना चुके हैं। उन्हें मैक्स के राज जानने के लिए होटल सिक्योरिटी द्वारा भेजा गया था। कैमिला मैक्स के फोन से सिम निकाल कर उसका क्लोन बना लेती है। फिर अगले सीन में मैक्स को होश आता है और कैमिला एक्टिंग करती है कि वो उसकी बहुत एहसान मंद है कि उसने उसका साथ दिया। उधर मैनेजर सिम से आने वाले मैसेजेस का सोर्स पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये ट्रैक नहीं कर पाते कि आखिर वो मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्स यूरी से मिलकर उसका बनाया गैजेट ले लेता है जिसकी मदद से अब वो बिना फोन को देखे ही अपने सारे मैसेजेस सुन सकता है। अब मैक्स इसी डिवाइस को पहनकर वापस से कैसीनो में आता है और वही करने लगता है जो मैसेजेस उसको करने को कहते हैं और अब वो लगातार 3 मिलियन यूरो जीत जाता है। अब बहुत हो चुका था। अब मैनेजर गार्ड के साथ आकर उसे पकड़ लेता है और ये तो होना ही था क्योंकि इस मंदबुद्धि को सारे पैसे इसी कैसीनो से ही कमाने थे। उधर मैनेजर कंप्लेंट करके FBI को भी बुला लेता है। अब FBI मैक्स को एक बिल्डिंग में ले जाती है।
जाती है और उस पर बंदूक तान कर पूछती है कि वो सच सच बता दे कि उसे ये मैसेज आखिर कौन भेज रहा है। लेकिन ये तो खुद मैक्स को भी नहीं मालूम था कि ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, वो तो बस आम खा रहा था। गुठलियाँ तो उसने भी कहाँ गिनी थी। अब FBI एजेंट ग्रांट मैनेजर को बताता है कि उनकी कसिनो का ये केस FBI के लिए पहला नहीं है। पिछले काफी टाइम से अलग अलग लोगों के पास ऐसे मिस्टीरियस फोन्स भेजे जा रहे हैं जिनके मैसेजेस की वजह से ही वे बहुत कम टाइम में काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब कभी FBI उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो कुछ ही टाइम बाद उन लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद FBI को पता नहीं चल पाता कि इन मैसेजेस का मेन सोर्स कहां से है। अब FBI एजेंट ग्रांट मैक्स से डील करता है कि वो उसे छोड़ देंगे लेकिन बदले में उसे FBI की मदद करनी होगी ताकि वो इस मोबाइल का मेन सोर्स पता कर पाए। अब एजेंट ग्रांट अपने बॉस रेमन को बताता है कि उसे अभी भी उस अज्ञात सोर्स का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन मैक्स उनकी मदद करने को तैयार है। अगले दिन मैक्स FBI के कहने पर फिर से कैसिनो में था जहां एक FBI एजेंट उसे बताता है कि उसे नॉर्मल बिहेव करना होगा और इस फोन को ट्रैक करने के लिए उन्हें कम से कम 3 मैसेजेस चाहिए। और यहां मैक्स के फोन में फिर से मैसेजेस आना शुरू होते हैं और मैक्स फिर से उनके कहने पर खेलने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार वो हार जाता है। और तभी उसके पास एक और मैसेज आता है कि उसे पता है कि कोई इस फोन के सिग्नल को ट्रैक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर FBI फोन के सिग्नल ट्रैक कर लेती है। ये देखते ही FBI चीफ रेमन सबको वहां से जाने को कहता है जैसे कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। वो एजेंट ग्रांट को बताता है कि इन मैसेजेस का मेन सोर्स एशलोन है। एशलोन एक सुपर कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है जिसे NSA ने ही सिक्योरिटी के लिए बनाया था और रेमन को लगता है कि जरूर किसी ने इसे हैक किया है। यहां से वो सबको उस हैकर को ढूंढने के लिए कहता है। अब रेमंड एक दूसरे एजेंट को हायर करता है जो कि मैक्स की ही तरह दिखता है और उसे ही मैक्स का फोन दे दिया जाता है। अब इस फेक मैक्स को मैसेज आता है कि वो जल्दी से रोड पर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है गाड़ियां उसे टक्कर मार देती हैं और वो वहीं मर जाता है। वही अब रियल मैक्स कैमिला के साथ था जहां उसे अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि असल में कैमिला होटल की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सीक्रेट एजेंट है। अब यहां कैमिला को छत पर एक स्नाइपर दिखता है और वो समझ जाती है कि वो मैक्स को मारना चाहते हैं। कैमिला किसी तरह से मैक्स को गोली से बचाती है। वही कुछ लोग उसकी बिल्डिंग में उसे मारने आ जाते हैं और कैमिला उन सबको भी मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। और यहां से मैक्स जान पाता है कि कैमिला एक सीक्रेट एजेंट है और वो उसके साथ अभी तक प्यार करने का सिर्फ झूठा दिखावा कर रही थी। अब यहां ये उजागर होता है कि उन हथियारों को मैक्स के पीछे रेमंड ने भेजा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि मैक्स उनके बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है। अब यहां से मैक्स यूरी के पास जाता है ताकि वो जान पाए कि आखिर इन मैसेजेस के पीछे कौन है, मगर वहां लगे CCTV उसके फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं जिसे रेमंड देख लेता है और अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेज देता है। वहीं मैक्स यूरी के पास आके उसे फोन दिखाता है और उससे उसका मेन सोर्स पता लगाने के लिए कहता है। यूरी कहता है कि उसे इसके लिए कई घंटे लगेंगे। अब कुछ घंटों बाद यूरी को पता लग चुका था कि ये मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। वो मैक्स को बताता है कि ये सारे ही मैसेजेस सुपर कंप्यूटर एशलोन से आ रहे हैं जो खुद से सोच सकता है। मैक्स को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक कंप्यूटर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। यहाँ यूरी मैक्स को बताता है कि एशलोन कोई साधारण AI कंप्यूटर नहीं है बल्कि वो सारे कंप्यूटर और मशीन्स को एक्सेस कर सकता है। इसलिए उस दिन उसने पहले ही मैक्स को बता दिया था कि वो उस प्लेन में न जाए जो कि क्रैश होने वाला है और इसी वजह से मैक्स अभी तक कैसिनो में इतने सारे पैसे जीत पा रहा है। यूरी उसे बताता है कि यही नहीं, एशलोन इतना स्मार्ट है कि वो हर तरह की टेक्नोलॉजी में आसानी से हेरफेर कर सकता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी में होने वाली संभावनाओं को वो पहले ही जान के सटीक अनुमान लगा सकता है। यूरी ये सब बता ही रहा था कि फिर से कुछ आदमी मैक्स को मारने आ जाते हैं जिनसे बचकर वे दोनों एक कार चुरा के वहां से भागने लगते हैं। अब मैक्स यहां उनसे किसी तरह से बचते हुए एजेंट ग्रांट को पकड़ लेता है जहां ग्रांट उसको बताता है कि ये मैसेजेस उन्हीं का बनाया सुपर कंप्यूटर एशलोन भेज रहा है, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि ये राज किसी को भी पता चले कि इसे बनाने वाली NSA ही है। अब तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जहां उसे बैकअप सर्वर फैसिलिटी में जाने को कहा जाता है। अब मैक्स को याद आता है कि मैक्स ने सबसे पहले यही सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। वहां पहुंचने पर SWAT टीम की मदद से मैक्स एजेंट ग्रांट के साथ अंदर घुसता है जहां एशलोन का AI CCTV के थ्रू मैक्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि वो एशलोन को इन कंप्यूटर से ऑथराइज कर दे जिससे कि AI खुद को अपडेट कर लेगी जिसके बाद वो पूरी ही दुनिया के डाटा को एक्सेस कर पाएगी। अब मैक्स यहां से देखता है कि ये AI खुद को NSA सर्वर से निकालकर खुद से ही अपडेट कर रहा है। मैक्स इसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है और अब एशलोन दुनिया के हर कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस करने लगा था। वही ग्रांट रेमंड को बताता है कि उन्हें एशलोन के AI को खत्म करना ही होगा वरना उन्हीं का बनाया सुपर कंप्यूटर सारी दुनिया के कंप्यूटर और सारे लोगों को भी कंट्रोल करने लगेगा। दूसरी ओर मैक्स एशलोन को बंद नहीं कर पा रहा था तो वो उसके साथ बोलकर संपर्क करने लगता है और वो कहता है कि AI के अपडेट होते ही किसी भी इंसान के पास कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी और इस AI को बनाने का रियल पर्पस था कि वो अमेरिका को साइबर सिक्योरिटी दे न कि उन्हीं के नागरिक
नागरिकों को कंट्रोल करने लग जाए और उनकी सारी ही प्राइवेसी को खत्म कर दे। ये सुनने के बाद AI खुद से ही सारे ही आर्टिकल्स को प्रोसेस करने लगता है कि किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और वो सारे अपडेट्स को कैंसिल करके खुद को ही शटडाउन कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे लोगों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था और वो खुद ही लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया। अब यहाँ से मैक्स को FBI अरेस्ट कर लेती है, मगर उसे कुछ ही टाइम बाद छोड़ दिया जाता है ताकि पब्लिक को ये बात न पता चले कि NSA का खुद का ही बनाया सुपर कंप्यूटर उनके खुद के लिए ही इतना बड़ा खतरा बन गया था। और आखिर में ये उजागर होता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो रशियन सिक्योरिटी सर्विस में कैप्टन है, जिसे अमेरिकी AI एशलोन को बंद करने के मिशन पर भेजा गया था।